गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं ललित मिश्रा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री सर। और बहुत स्माइलिंग में रहिए क्योंकि आज लोहरी भी है और लोहरी के दिन भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और सीखें। लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और साथ में हम लोग आ गए हैं अब वीडियो नंबर 2 में, चैप्टर 3 का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था। और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में यानी पिछले वीडियोस में किया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक किया था, उनकी खामियां यानी उनके लिमिटेशंस भी कर लिए थे। उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट हुई और उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, एक बार हम उसको ज़रा ध्यान में ले आएँ फिर से, क्या क्या लिमिटेशंस था उसको शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में ले लेंगे। तो पेन पेपर लेकर बैठ गए क्या? तो देखिए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और फिर शुरू होते हैं। एकदम स्माइलिंग फेस से करना है, पढ़ना है। स्माइलिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो चलते हैं आगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या था? सबसे बड़ी लिमिटेशंस मैंने बताया था कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स को लेकर था। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होने से और एटॉमिक मास डिफरेंट होने से सेम एलिमेंट अलग अलग जगह पर रखना पड़ता उनको। जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया था, उनको अलग अलग जगह पर रखना पड़ता। उसी तरह से हमने आइसोबार्स को लेकर देखा था कि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का एटॉमिक मास 14 होता है, यानी आइसोबार्स है वो, और उनको फिर एक ही जगह पर रखना पड़ता जिससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती। दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम मानी जाती, लेकिन ऐसा तो था नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। इस वजह से मेन रूप से पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट हुई। और इसको सबसे पहले किन्होंने बनाया, किन्होंने सबसे पहले इसका लॉ दिया? तो मोज़ले ने लॉ दिया। उन्होंने क्या देखा इसमें? उन्होंने देखा, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट की हमें स्टडी करनी होती है, किसी भी कंपाउंड की स्टडी करनी होती है, किसी भी कंपाउंड का कॉम्पोजिशन निकालना होता है, तो हम लोग उसमें लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें उसको लेना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे क्या पता चलेगा, इसको हम मोज़ले के बेसिस पर देख रहे हैं। तो मोज़ले ने क्या देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी फ्रीक्वेंसी जो है एक्सरे स्पेक्ट्रा की, उसका जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर के साथ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको लिया हुआ एक्सट्रैक्ट एक, जिसमें एटॉमिक नंबर के साथ उनका रिलेशन बताया हुआ है। और उसका उन्होंने ग्राफ भी बनाया, तो ग्राफ में भी उन्होंने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा था। स्ट्रेट लाइन आने की वजह से यानी उसका रिलेशन किसके साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ है, ना कि एटॉमिक मास के साथ। यानी हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आजकल एलिमेंट को डिस्कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो दिखाता है, फिक्स्ड कलर दिखाता है ना। लाइट में यदि हम सोडियम को उसमें दिखाएं, हीट करें, फिर उसका स्पेक्ट्रा निकालें, तो उसकी एक फिक्स्ड कलर आएगी। तो कलर कॉम्बिनेशन फिक्स्ड होने की वजह से यानी उसकी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रेडिएशन देता है, तो वो उससे हम उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ रेडिएशन किससे रिलेटेड था? मोज़ले के बेसिस पर उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में, उसका जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर के साथ है, ना कि एटॉमिक मास के साथ है। इसलिए एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करना चाहिए एटॉमिक नंबर पर, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। फिजिकली भी उन्हीं पर डिपेंड करेगा और केमिकली भी। इसलिए उन्होंने लॉ दे दिया, एटॉमिक नंबर्स जो वहाँ पर है वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने लॉ कैसे दिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। इसको उन्होंने लॉ में दिया और उसी के बेसिस पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में काफ़ी लंबा बनाया ये, और सारे एलिमेंट्स को एक साथ वहाँ पर ईजिली वहाँ पर प्लेस कर दिया गया, बहुत ईजिली वहाँ पर प्लेसमेंट हो गई। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो भी एक साथ आ गया ग्रुप में, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनका भी अलग अलग ग्रुप बनता चला गया। तो उसको काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में शो किया गया है,
जिसको बाद में बोर ने उसको डेवलप किया था। पीरियोडिक टेबल को पूरी अच्छी तरह से बोर ने डेवलप किया था, लॉ मोसले का दिया हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिपेंड किस पर करता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर में यदि हम उसमें वेरिएशन देखें तो वो हमें पता चलता है उनके कॉन्फ़िगरेशन से, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेकेंड चैप्टर में सीख चुके हैं। तो इसमें भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्स के IUPAC नोमेनक्लेचर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या पोजीशन है और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है, तो जो जेड से ग्रेटर है एटॉमिक नंबर उनका जो नोमेनक्लेचर है उसको IUPAC ने एक नंबर के बेसिस पर रखा, उसको 0 to 9 तक का एक नंबर ले लिया, जिसका जो भी उसके लिए वर्ड रूट लगाए गए थे, वर्ड रूट उसके लिए लगाए गए, उसके लिए नंबर रूट लगाए गए, और नंबर रूट के बेसिस पर उसको नेम दिया गया। जैसे किसी का 101 है, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और जो मैंने यहाँ पर टेबल में आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर बना हुआ टेबल, तो उसमें 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए अन, और एंड में लगा दिया IM। तो इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर किया गया, जिसका यहाँ पर एग्जांपल है 102 104, ऐसे करके 101 से लेकर 1018 तक उसका किया गया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसकी रिक्वायरमेंट हुई इसलिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को जो डिस्कवर किया उनका नेम डिस्कवरर के पीछे लगाया रखा गया, डिस्कवरर के रिस्पेक्ट में रखा गया, लेकिन उनकी डिस्कवरी में एक प्रॉब्लम आती थी। उनकी डिस्कवरी में क्या प्रॉब्लम आती थी, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी में दो दो साइंटिस्ट अपना क्लेम करते थे, इसका डिस्कवरी मेरे कंट्री के साइंटिस्ट ने किया या मैंने किया है। जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 104 के लिए अमेरिकन और अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट दोनों ने दावा किया। सोवियत साइंटिस्ट ने उसको कुर्चा टोबियम बोला और अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसका नाम रदरफोर्डियम रखने पर बल दिया। तो इसको कॉन्कर करने के लिए, इसको हटाने के लिए रदरफोर्डियम ने, जो दोनों में क्रेडिट लेने की कोशिश की दोनों ने मिलकर, उसको हटाने के लिए उसको 104 को एक जो उन्होंने कैटेगरी बनाई IUPAC की उसके बेसिस पर उसका नेम कर दिया, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वाड, यानी अन नील क्वाडियम उसका नाम कर दिया, जिससे वो हट गया। लेकिन बाद में देखा गया वोटिंग के बेसिस पर कि उसका नेम उन्होंने रदरफोर्डियम रखा, क्योंकि सारे साइंटिस्ट ने, ज़्यादातर साइंटिस्ट ने रदरफोर्डियम के नाम को वोट किया। तो इस तरह से बाद में वोटिंग के बेसिस पर उसका नाम रखा जाता है, यानी पहले उनको एक नॉर्मल नंबर के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया गया, यदि उसका नेम कोई सजेस्ट हो गया, कोई वोटिंग हो गई, उसका नेम ये रखा जाए तो फिर उसका वो साइंटिफिक नेम मान लिया गया, IUPAC नेम मान लिया जाता था, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। जनरली आपका 10 मेरे पास जो डाटा है उसमें 1015, 1016, 17 और 18, इन सब का नोमेनक्लेचर नहीं आ पाया, और जिसको अभी भी नंबर के बेसिस पर IUPAC ने रखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, वहाँ पर स्टार लगा हुआ है जिनका नहीं आया है, तो उनको नंबर के बेसिस पर भी हम नेम करेंगे। अभी जब उनका नेम सजेस्ट हो जाएगा फिर उसका वो नेम रखा जाएगा साइंटिस्ट के बेसिस पर या कंट्री के बेसिस पर जहाँ पर उसको रिसर्च किया गया, जहाँ पर उसको डिस्कवरी किया गया है उनके बेसिस पर उसको रखा जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर नोमेनक्लेचर को लेकर ये जो मुश्किलें थी वो हट गई। अब इसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है पीरियोडिक टेबल के साथ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। पीरियोडिक टेबल का रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ही डीप है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्वांटम नंबर्स, जो हम लोग चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है बच्चों। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें से एक हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, फिर स्पिन क्वांटम नंबर है।
स्पिन का तो अभी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं देखेंगे, स्पिन को तो अलग से डिस्कवरी के बेसिस पर डाला गया है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट थ्री जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो पीरियड के नंबर को बताएगा। आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में 1, 2, 3, 4 से लेकर 7 तक 7 पीरियड टोटल लिए गए हैं और अभी तक हमें कॉन्फ़िगरेशन में ओनली 7 सेल्स की रिक्वायरमेंट हुई है। और यानी सेल का नंबर जो पीरियड के नंबर को बताता है, कौन से सेल का नंबर? तो वैलेंस सेल का नंबर। तो यदि हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका जो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बेसिस पर उनकी पोजीशन रखी जाती है पीरियडिक टेबल के अंदर। तो उनकी पोजीशन उसके बेसिस पर कैसे रखी जाएगी तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो लास्ट सेल में वैलेंस सेल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वांटम नंबर है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा सेल है, वो हमारा पीरियड का नंबर माना जाएगा। उस एलिमेंट के लिए पीरियड का नंबर माना जाएगा। और पीरियड का नंबर यदि किसी का 2 है तो इसका मतलब उसका जो लास्ट सेल है वो सेकेंड सेल होगा, वैलेंस सेल जो है वो सेकेंड सेल होगा। फिर उसके बाद वाले जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन शेल का नंबर सेम रहेगा। यानी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर फिल होता जा रहा है, यानी सेम पीरियड में जो जो एलिमेंट्स हैं उनमें सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर फिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेकेंड पीरियड में लिथियम है और लिथियम का जो वैलेंस सेल है 2s1 है। उसके बाद आपका बेरिलियम है जिसका वैलेंस सेल 2s2 है कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसमें भी वैलेंस सेल सेकेंड ही है। फिर उसके बाद बोरॉन है, बोरॉन में आप देख रहे हैं 2s2 2p1 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और वो भी आपका सेकेंड पीरियड में ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा बेसिस लेते थे। कॉन्फ़िगरेशन हम सेकेंड चैप्टर में सीख चुके हैं, उसके लिए ऑब्बा प्रिंसिपल लिया जाता था। आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर उसका डायग्राम ले लिया है। ऑब्बा प्रिंसिपल जो ऑर्बिटल की एनर्जी है उसके बेसिस पर उसको फिल किया जाता है। तो आप देखेंगे डाउनवर्ड एरो आ रहा है। डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है डाउनवर्ड जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। यानी जिसमें जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, फिर उससे ज़्यादा वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाले में, ऐसे करके चेंज होता रहता है। और कहीं कहीं आप देखोगे इसी ऑब्बा प्रिंसिपल को फॉलो करने समय पता चलता है कहीं कहीं एक अलग सी कॉन्फ़िगरेशन आती है। जैसे 4s के बाद 3d को फिल किया जाता है, जबकि एज पर रूल उसमें दिख रहा है कि थर्ड सेल पहले फिल होना चाहिए फिर फोर्थ सेल होना चाहिए फिल, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थर्ड सेल की एनर्जी कम होगी फोर्थ सेल से। एक्चुअली थर्ड सेल की एनर्जी कम है फोर्थ सेल से, बट 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है n+l रूल पर। n+l रूल क्या बताता है? n हमारा शेल का नंबर है, ये शेल नंबर है, और l क्या है? ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यानी सबसेल है। सबसेल की ये वैल्यू होती है। इन दोनों को प्लस करके यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे 3d के लिए 3n की वैल्यू होगी और d के लिए l, यदि हमारा d रहेगा तो इसके लिए वैल्यू 2 असाइन किया गया है, 2 होने पर यहाँ पर 5 हो जाएगा। लेकिन यदि 4s को चेक किया जाए, 4+0 s के लिए 0 असाइन किया गया l की वैल्यू, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। तो 4 से ज़्यादा बड़ा नंबर है 5, तो क्लियरली 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी 4s से, इसलिए पहले 4s को फिल किया जाता है फिर 3d को। इसको बहुत ही मैंने अच्छी तरह से डिटेल में मैंने समझाया है सेकेंड चैप्टर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियोस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियोज आप लोग देखेंगे और प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल का ध्यान रखा जाता है, उसी पर डिपेंड करेगा उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन इसका 3s1 हो गया,
यानी ये हमारा फर्स्ट सेल है K, ये सेकेंड सेल L हो गया और ये M हो गया थर्ड सेल। यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों नंबर टू है, तो ये हमारा सेम सेल यानी L सेल हो गया, सेकेंड सेल हुआ, और ये नंबर वन लगा हुआ, यहाँ पर नंबर थ्री है। क्लियरली इसका बैलेंस कॉन्फिग्रेशन हो गया, जिसको मैं VC लिख रहा हूँ, बैलेंस कॉन्फिग्रेशन को 3S1। तो इसका मतलब सोडियम अब थर्ड पीरियड का मेंबर है। यहाँ पर सबसे बड़ा सेल कौन है, थर्ड है वैलेंस सेल में, तो ये थर्ड पीरियड का मेंबर हुआ। जैसे हम ले लेते हैं अब आपका क्लोरीन का, क्लोरीन का वैलेंस सेल का कॉन्फिग्रेशन 3S2 3P5 बनता है। यहाँ पर भी सबसे लार्ज सेल कौन सा है, थर्ड है, ये भी हमारा थर्ड पीरियड का मेंबर है, यानी इसका पीरियड का नंबर 3 होगा, इसके भी पीरियड का नंबर 3 हो जाएगा। अब जैसे हमारा क्रोमियम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4S1। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अनोमलस टाइप की है, जिसको आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में देख के समझेंगे ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मैं उसको नहीं लूँगा, सिर्फ मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ। यहाँ पर दो तरह के सेल हैं, दो सेल हैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें सबसे बड़ा सेल कौन है, 4 है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल कौन है, 4th है, इसलिए इसका पीरियड का नंबर 4 माना जाएगा, ये फोर्थ पीरियड का मेंबर हो गया। इस तरह से हम पीरियड के नंबर को निकाल सकते हैं, यदि हमें वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो। आप देखेंगे ये क्रोमियम जो है फोर्थ पीरियड में ही मिलेगा, ये थर्ड पीरियड, और सोडियम भी थर्ड पीरियड में मिलेगा। इस तरह से हम पीरियड का नंबर इजीली बता सकते हैं। अब हम आते हैं हम सेल का नंबर कैसे बताएंगे। तो वो सेल का नंबर उसमें क्या था, थर्ड था, और पीरियड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। जैसे हमारे सेकेंड पीरियड का जो मेंबर है वह है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब जरा देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का 2s1 है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का 2s2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है वैलेंस सेल का, इसके कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का 2s2 2p3 है, इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है, और इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है। तो आप क्या देख रहे हैं, सब में नंबर टू ही लिखा हुआ है सेल का नंबर। यानी यदि कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है, यदि कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है और उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब में आप देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर आता जा रहा है। सब सेल चेंज हो सकता है लेकिन सेल का नंबर सेम रहेगा। तो यानी हम देखेंगे सब सेल भी हमें कुछ ना कुछ बताने वाला है। तो सब सेल हमें क्या क्या बताने वाला है इसको हम आगे देखने जा रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि सब सेल जो है वो हमें ग्रुप के नंबर को बताएगा, और सब सेल और भी कुछ चीज़ों को बताएगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ग्रुप नंबर को लेते हैं। ग्रुप नंबर हमें कौन बताएगा, एक्चुअली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना नंबर है उतना ही उसका ग्रुप नंबर उसी पर डिपेंड करेगा, आगे देखेंगे। अब ग्रुप में और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है इसमें टाइप ऑफ सब सेल, टाइप ऑफ सब सेल जो है वो सेम रहता है लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा। सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा लेकिन टाइप ऑफ सब सेल सेम रहेगा, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के पास इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1, इसके नीचे जो भी आएगा फिर 5s1 6s1 7s1 ऐसे होता जाएगा। यहाँ रुबिडियम आता है और यहाँ सीजियम आता है। तो इस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन चलता जाएगा। इसके नीचे फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम आपका रेडियो एक्टिव, इसको हम स्टडी नहीं करते। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें सब में सब सेल का टाइप जो है
एस सबसेल है, इसमें भी एस सबसेल है, इसमें भी एस सबसेल है, यानी सबसेल का टाइप सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में वन वन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर और सबसेल का टाइप एक ग्रुप में सेम होता है, इसलिए एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, उसी में थोड़ा अप या डाउन यानी कम या ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP3 का है। आप देखेंगे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन खुद का 2S2 2P3 है, इसके नीचे फॉस्फोरस है 3S2 3P3 है, इसके नीचे आर्सेनिक है 4S2 4P4 है, इसके नीचे एंटीमनी है 5S2 5P3 और इसके नीचे हमारा बिस्मथ है 6S2 6P3 है। आप सब में क्या देख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5-5 है, और सब में आप सबसेल का टाइप SP-SP देख रहे हैं, यानी यहां पर भी क्या देख रहे हैं हम साफ साफ कि सबसेल का जो टाइप है वो सेम है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन सब में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि सब में नीचे आने पर सेल का नंबर इंक्रीज होता गया है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है लेकिन सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी उनके पीरियड का नंबर बढ़ता जा रहा है। सेल नंबर मतलब हमने पीछे देखा पीरियड का नंबर, यानी वो अगले पीरियड का मेंबर होता है, लेकिन ग्रुप में आने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, यानी उनके सेल के नंबर भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर है, और सेल के नंबर बढ़ने की वजह से उसी में ग्रेडेशन या डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज में होगी, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सब देखा है, अब हम आगे इसका बढ़ रहे हैं, और क्या है इसमें प्रॉपर्टीज, अब हम किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके मेंबर होंगे, किसी भी पीरियड का मेंबर, उसको हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे। किसी भी पीरियड में आप यहाँ पर दोबारा पीरियडिक टेबल को देखिए, करो एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 ही एलिमेंट है उसके मेंबर, सेकेंड पीरियड के मेंबर 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के मेंबर फिर 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ पीरियड के मेंबर 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड के मेंबर भी 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ के 32 एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या प्रूव कर रहा है, उसमें कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ न कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स के नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स का नंबर किन पर डिपेंड करेगा, एलिमेंट का नंबर डिपेंड करते हैं पीरियड के नंबर पर, क्योंकि पीरियड नंबर किस पर डिपेंड कर रहा था, वैलेंस शेल कौन सा है, कौन से नंबर वाला शेल, वैलेंस शेल है, और उस वैलेंस शेल का जो भी नंबर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यानी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, उस पीरियड के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके सेल में, यानी जो पीरियड का नंबर है उतने नंबर सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा। तो यदि मान लीजिए कोई पीरियड नंबर 2 का मेंबर है तो सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, हम जानते हैं कि 2n² होता है, यानी 2 × 2 का स्क्वायर 8 आएगा, इसलिए यहाँ पर 8 होता है। लेकिन यदि हम एग्जैक्ट इसी को लेकर चले रूल, जो कि एक्चुअल रूल है, तो थर्ड पीरियड में तो सेल का नंबर 3 है तो वहाँ पर फिर 18 एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स ही हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर रूल क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अलाउड सबसेल्स। जैसे हमारा कोई किसी के पीरियड का नंबर कोई 3 है तो पीरियड का नंबर 3 में हम देखेंगे यहाँ पर 3D फिल नहीं होगा, थर्ड पीरियड में यानी थर्ड सेल में 3S और 3P ही फिल होता है, 3D जब फिल होगा वो हमारा पीरियड नंबर 4 में हो जाता है, 3D और वहाँ पर 4S फिल होता है, यानी 3D कहाँ पर फिल हुआ, फोर्थ पीरियड में जाके। ये हमें कैसे पता चलेगा, फिर से हम ऑफ बॉब प्रिंसिपल पर ज़रा ध्यान देंगे।
अबव प्रिंसिपल का क्या रूल है, 4s के बाद 3d को फिल किया जाएगा। लेकिन 4s आते ही कौन से पीरियड का मेंबर हो गया, वो हमने पढ़ा था पीछे, फोर्थ पीरियड का मेंबर है वो, यानी 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अलाउड है फोर्थ सेल में 3d को फिल करना, यानी 3s के बाद 3p के बाद 3d को फिल करना अलाउड नहीं है। तो 3s और 3p ओनली यहाँ पर फिल हुआ है, इसके बाद 3d हमारा नॉट अलाउड। तो 3d नॉट अलाउड है, तो इलेक्ट्रॉन ओनली s और p का देखेंगे। s में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 रहता है और p में इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 रहता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स का नंबर 8 ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप वहाँ पर 8 ही डाल सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर जो कि अलाउड सबसेल है उसमें जितने आएंगे उसी पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करेगा। लेकिन फोर्थ पीरियड में 3d भी आ रहे हैं, तो क्लियरली 3d के आने की वजह से यहाँ पर 10 और इंक्रीज हो जाएंगे, यानी 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम पीरियड 5 में आएंगे, पीरियड 5 में भी ओनली 5s, 5p और 4d अलाउड है भैया। क्लियरली यहाँ पर भी 18 ही होगा, 5d अलाउड नहीं है, 5d एंड 5f नॉट अलाउड। तो ध्यान रखेंगे हमने d कौन सा लिया है, एक कम वाला लिया है, वो हमारा यहाँ पर आकर अलाउड था इसलिए यहाँ पर उसको ऐड किया है। अब इसी तरह से यदि हम पीरियड नंबर 6 में ले लें तो वहाँ ईजिली 32 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 5f भी अलाउड हो जाता है, वहाँ 5f भी अलाउड हो जाता है, सॉरी 4f भी अलाउड हो जाता है, वहाँ पर 4f अलाउड होने की वजह से 6th वाले में क्या है 32 एलिमेंट्स है, 7th वाले में भी 5f अलाउड हो जाता है इसलिए वहाँ पर 32 एलिमेंट्स वहाँ पर भी है। तो इस तरह से नंबर ऑफ अलाउड सब सेल्स कौन कौन से हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं वहाँ पर, उन्हीं के बेसिस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम नंबर किसी का 6 है, किसी का पीरियड नंबर 6 है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं ये बताओ। तो वहाँ पर हम देख लेंगे अलाउड सब सेल्स कौन कौन से हैं और वो हमें पता चलेगा अबव प्रिंसिपल से। अबव प्रिंसिपल वाला जो एरो दिख रहा है उसी से हमें पता चलेगा और उसी के बेसिस पर हम पता लगाएंगे कि 6s के बाद हम फिल कर सकते हैं 5d और फिर 4f, इसलिए वहाँ पर s p d f 6p भी उसके साथ ही फिल हो सकता है। क्लियर है? तो वहाँ पर इन सब को फिल करते हुए आराम से वहाँ पर 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 32 एलिमेंट्स वहाँ पर पॉसिबल है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं क्या SPDF के बेसिस पर क्या एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है सब सेल्स के बेसिस पर, यानी सब सेल के टाइप के बेसिस पर, तो वो भी कैटेगराइज किया गया, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सब सेल्स जो जो हम फिल करते हैं SPDNF होता है। S सब सेल ओनली जिसमें फिल किया जाएगा उसको हम कहेंगे S ब्लॉक, जिसमें वैलेंस सेल में ओनली S सब सेल को फिल किया जाएगा उसको कहेंगे हम S ब्लॉक, और जिसमें S और P ध्यान रखेंगे P बिना S के फिल नहीं होगा, S के बाद ही P को फिल किया जाएगा, जिसमें ओनली S और उसके अलॉन्ग विद P भी फिल किया जाएगा वन बाय वन, वो सारे के सारे ग्रुप्स P ब्लॉक के हो जाएंगे। और इसके बाद जिसमें D को फिल किया जाता है, और D को फिल किया जाता है किसके बाद, हमने हमेशा देखा 4s के बाद 3d, 5s के बाद 4d, यानी S सब सेल के बाद D को फिल किया जाता है, जिसमें S और D का कॉन्फ़िगरेशन ओनली रहे वो D ब्लॉक आ जाएगा, और फिर जिसमें F भी आ जाए इंक्लूड हो जाए तो F ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा, यानी सब सेल के बेसिस पर ब्लॉक को रखा गया है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन और सबसेल का रिलेशन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पोजीशन को लेकर है। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जरा हम इस पर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं एक मिनट के लिए, जरा एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके हम इस पर देख लें। हम एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमें उसका एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हम उसका कैसे पोजीशन पता लगाएंगे। जो जो हमने सीखा है उसी को हम यूज़ करेंगे। ज़रा देखिए, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया एसाइन जेड इक्वल टू
17 element z equal to 17 in periodic table. सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया, असाइन पोजिशन जेड इक्वल टू 17 के लिए पीरियोडिक टेबल में. जरा देखिए हम कैसे इसको असाइन करते हैं. तो जेड इक्वल टू 17, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं कैसे करना है. हमें ओनली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेना, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन. इसका बन जाएगा 3s2 3p5 बन जाता है. तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें पता लगाना पीरियड का नंबर. पीरियड के नंबर में इसमें 3 लिखा हुआ है दोनों में, दोनों सब सेल के साथ, यानी पीरियड का नंबर 3 हो गया क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सेल यहाँ पर यही है, तो पीरियड का नंबर 3. अब ब्लॉक हमारा कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था जिसमें जब एस और पी दोनों आए, ब्लॉक पी. और इसको मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक के बारे में हम और ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ब्लॉक आ गया. अब ग्रुप का नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप का नंबर यदि एस और पी दोनों फील्ड हो तो ग्रुप का नंबर निकालना आसान है. उसमें क्या करेंगे, एस इलेक्ट्रॉन प्लस पी इलेक्ट्रॉन जो जो है उसको हम ऐड कर देंगे. एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 7, इसके ग्रुप का नंबर 7 हो गया. तो 7th ग्रुप में हम इजिली वहाँ पर देखेंगे. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जब पी ब्लॉक आ जाए यानी पी सबसेल आ जाए, उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा हमेशा उसको डी ब्लॉक के बाद रखा गया है. बीच वाला जो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है, उसके बाद ही पी का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा, यानी पी ब्लॉक आता है. ये हमारा पी ब्लॉक का मेंबर है. इसमें पोजीशन निकालने के लिए, ग्रुप नंबर निकालने के लिए अलग से हम 10 ऐड करेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस में 10 भी लेंगे. इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी इसमें आ जाएगा 17th ग्रुप. तो क्लोरीन हमारा 3rd पीरियड का मेंबर है और 17th ग्रुप का मेंबर है, यानी 3rd पीरियड में 17 ग्रुप के लाइन में हमें क्लोरीन मिल जाएगा वहाँ पर. इसको आप पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर उसका फ़ोटो लिया हुआ है. तो आप लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन कहाँ पर है, 17th ग्रुप में है और 3rd पीरियड का मेंबर है, जो कि सोडियम वाली लाइन है. तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम करके फिर हैलोजन, 17th ग्रुप में आपका क्लोरीन आ रहा है. तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन असाइन कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. धन्यवाद देखने के लिए, और ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं अच्छी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ. धन्यवाद.